हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है शिवम स्टडी सेंटर के इस वीडियो में। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश ग्रामर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी 8 टॉपिक एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। इंग्लिश के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बताए जाएंगे, सेंथेसिस बताए जाएंगे, सेंटेक्स बताए जाएंगे, एडम्स एंड फ्रेजेस बताए जाएंगे। कहने का मेरा मतलब है, आज की वीडियो में क्लास ट्वेल्थ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी 8 टॉपिक एक ही वीडियो में। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में कोई परेशानी नहीं होगी। और ये मैंने 3-4 साल पहले आए हुए आपके प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंथेसिस एंड सेंटेक्स लिए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए किस तरीका से बनाते हैं। ये पहला है, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम रीडिंग ए बुक, उसने मुझसे कहा एक पुस्तक पढ़ रही हूँ, उसने मुझसे कहा कि मैं एक पुस्तक पढ़ रही हूँ, राइट। अब हमें इसको बनाना है इनडायरेक्ट में। जी हाँ, इसको हमें इनडायरेक्ट में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे सी सेड टू के स्थान पर क्या लिखेंगे, टोल्ड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर लगाएंगे दैट। अब देखिए, आई जो है ये बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, आई बदलता है फर्स्ट पर्सन के अनुसार। आपने ये वाला चीज देखा होगा, एस ओ एन यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में नो चेंज यानी कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आई बदलेगा फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट क्या है इसमें सी, तो इसको सी ही लिख देंगे, आई की जगह पे सी, राइट। अब देखिए, ये हमारा जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसे हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना है। तो सी वाज रीडिंग ए बुक, जी हाँ, ये हमारा पहला इनडायरेक्ट बन गया है। देखिए दोबारा बताते हैं, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रही हूँ, राइट। इसको हमने इनडायरेक्ट कराया, सी सेड टू के स्थान पर क्या है, टोल्ड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर लगाया दैट। और ये जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, राइट। सबसे पहले हमें आई को देखना है कि आई फर्स्ट सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का वो है, तो ये आई जो है वो चेंज होगा फर्स्ट पर्सन के साथ, तो फर्स्ट क्या है इसमें सी, तो आई की जगह पर सी, और पास्ट कंटिन्यूअस में कर दिया, सी वाज रीडिंग ए बुक, राइट। देखिए दूसरा देखिए, सी सेड, उसने कहा कि आई हैव राइटन द लेटर, उसने कहा मैं एक पत्र लिख चुकी हूँ, एक पत्र लिख चुकी हूँ, उसने मुझसे कहा, तो इसको हमें इनडायरेक्ट करना है। तो इनडायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए, सी सेट के स्थान पर, देखिए यहाँ पे सेट टू होता तो टोल्ड करते, लेकिन यहाँ सेड है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेट को सेड ही रहने देंगे, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर आता है दैट। आई चेंज होगा फर्स्ट पर्सन के साथ, तो फर्स्ट पर्सन क्या है इसमें सी, तो क्या लिख देंगे सी। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच कौन से सेंटेंस में है, आई हैव राइटन द लेटर, आई हैव आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, तो हमें किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, राइट। तो सी हैड राइटन द लेटर, राइटन द लेटर, अब देखिए तीसरा हमारा इनडायरेक्ट है, नीलम सेड टू जय, नीलम ने जय से कहा कि यू कैन डू दिस वर्क, तुम यह कार्य कर सकते हो। नीलम ने किससे कहा, जय से कहा, क्या कहा, यू कैन डू दिस वर्क, तुम इस कार्य को कर सकते हो, तो इसको हमें इनडायरेक्ट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, नीलम एंड वाली एल एम
सेट टू आ गया, क्या कर दें, टोल्ड कर दें, कर दें जी, कर दो। अब क्या करें सर, जे करो, जे कर दिया जी। अब क्या करें, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाएं, डेट लगाएं, डेट लगा दिया जी। अब क्या करें सर, यू आ गया, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। देखिए यू जो है, यू सेकंड पर्सन के साथ चेंज होगा, यू सेकंड पर्सन है, सब ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। जे क्या लिख दें यहाँ पे, जे के लिए ही लगा दें। कैन को क्या कर दें, कुड कर दें, पास्ट। डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। अब देखिए, अब आ गया हमारा सेंथेसिस। क्या आ गया, सेंथेसिस, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, संयोग। क्या कहते हैं, संयोग, मतलब दो सेंटेंस दिया होगा, उसको हमें जोड़कर एक लिखना है, राइट। यानी आई फाउंड माई वॉच, मैंने अपनी वॉच को पाया। द वॉच वॉज स्टोलन, घड़ी चुर गई थी। इसको हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, दो सेंटेंस दिया होता है, उनको हमें एक करके लिखना होता है, उसको हम कहते हैं सेंथेसिस, यानी सहयोग, राइट। चलो बनाते हैं। तो आई फाउंड माई स्टोलेन वॉच, आई फाउंड माई स्टोलेन वॉच, जी हाँ, इसका यही है, आई फाउंड माई स्टोलेन वॉच, मैंने अपनी खोई हुई पेन को पा लिया है, राइट। दूसरा देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गुड बॉयज वर्क हार्ड, गुड बॉयज वर्क, बैड बॉय मेक मिसचीफ, अच्छे लड़के काम करते हैं और बुरे लड़के मिसचीफ यानी शैतानी करते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, हम आपको बताते हैं। तो ये है, गुड गुड बॉयज वर्क व्हाइल, यानी जबकि, बैड बॉय मेक मिसचीफ, इसका सेंटेंस बन गया, अच्छे लड़के काम करते हैं जबकि बुरे लड़के क्या करते हैं, शैतानी करते हैं, राइट। चलिए हम आपको आगे बताते हैं। और देखिए, वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पर आप पहली बार, चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, आप यदि न्यू स्टूडेंट हैं हमारे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाएगा हमारे चैनल पर। अब देखिए सेंटेक्स, सेंटेक्स का मतलब क्या होता है, पहले मतलब जानते हैं। वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास होता है, मतलब इसमें गलत होगा सेंटेंस, उसको हमें सही करके लिखना है, जी हाँ, गलत होगा उसको हमें ठीक करके लिखना है। कैसे लिखना है, ही इज माई ओल्डर ब्रदर, ये होता है क्या, नहीं ये नहीं होता, क्या होता है, ही इज माई एल्डर ब्रदर, राइट। आई लाइक वेजिटेबल, मैं सब्जियां पसंद करता हूँ, तो ये गलत है, वेजिटेबल्स आएगा, ऐसा लगेगा, वैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई लाइक क्या लगना है, वेजिटेबल्स, ऐसे जोड़ दिया,
राइट। और देखिए योर नॉलेज इज मोस्ट प्रेफर, तुम्हारा ज्ञान है वो बहुत अत्यधिक उत्तम है। तो इसको हमें मोस्ट जहाँ होता है मोस्ट को हटा देते हैं, खाली प्रेफर लिख देंगे। कैसे? योर नॉलेज इज प्रेफर, तुम्हारा ज्ञान उत्तम है। अब देखिए सेंटोनियमस, सेंटोनियमस, सेंटोनियमस को क्या कहते हैं हम? विलोम शब्द। क्या? सेंटोनियमस क्या कहते हैं? विलोम शब्द। इंक्रीजिंग यानी बढ़ाना, और इसको हिंदी में करेंगे इसका अपोजिट होता है इंक्रीजिंग का, डिक्रीजिंग। डिक्रीज, राइट। एम्पल यानी प्राप्त, और इसको हम कह सकते हैं अपर्याप्त यानी अनसफिशेंट, UFFICIENT। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट मीन्स होता है सम्मान। क्या होता है? सम्मान। और इसको हम कर देंगे विलोम शब्द, यानी इंसल्ट भी कर सकते हैं, इंसल्ट। इंसल्ट मीन्स अपमान होता है। सेंटोनिमस, इसको कहते हैं हम, चाहे इसको पर्यायवाची शब्द बोल दिया, अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक वाक्य, इसको पर्यायवाची वाक्य बोल सकते हैं, राइट। देखिए पहला है कौंसल, कौंसल माने होता है छिपाना, और क्या होता है? एक होता है हाइड, हाइड माने भी छिपाना होता है। डाउट, डाउट माने होता है शक यानी संदेह, और डाउट को कहते हैं सस्पेंस। राइट। देखिए जंक, जंक में होता है कूड़ा, यानी इसको कर देंगे क्लीन। इम्प्रेशन यानी प्रभाव, एक होता है इफेक्ट। तो मेरे प्यार साथियों, ये थी आज की हमारी वीडियो। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। क्या करें? इस चैनल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है, और चैनल को क्या करना है? आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय के अनुसार प्राप्त हो सके। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है, सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताया था, उसके बाद मैंने आपको बताया था सिंथेसिस, फिर मैंने आपको बताया है सेंटेक्स, उसके बाद बताया है एंटोनियस, विलोम शब्द, सेंटोनियस यानी अनेकार्थक शब्द। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।